हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तस्कीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो टिकटॉक के बारे में आपको पता है कि टिकटॉक बैन होने वाला था, टिकटॉक पर रोक लगने वाली थी, प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया था, तो उसकी सुनवाई 22 तारीख को होने वाली थी, यानी कि 22 अप्रैल को, जो कि कल था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी थोड़ा टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट को कि कुछ अपने चेंजेस लाइए अपने फैसलों में, और टिकटॉक को भी यह आदेश दिया गया है कि उसमें कुछ चेंज लाकर नए वर्जन को अपलोड किया जाए प्ले स्टोर पर, तब जाकर उस पर से बैन हटाया जा सकता है। कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, जो कि जो मुद्दे उठाए गए थे कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट उस पर डाला जा रहा है, गंदा कंटेंट डाला जा रहा है और सुसाइड वगैरह हो रही है उसकी वजह से, तो वो सब कुछ बिल्कुल लीगल माना गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। तो हो सकता है कि अभी फैसले में कुछ और चेंजेस आए, जो कि 24 अप्रैल को होगा, यानी कि कल एक फैसला और होना है। आज 23 अप्रैल है और कल देखते हैं कि क्या होना है इस फैसले पर। तो अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है, कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी होगा क्या। मद्रास ने जो इसको हटवाने के लिए, बैन लगवाने के लिए कुछ रीजंस बताए थे जो कि लीगल माने गए हैं, उस पर अगर कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अगर 24 अप्रैल को नहीं लिया तो ये एप्लीकेशन वापस आ जाएगी। ये एक खुशखबरी भी है और प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को वापस लाया जाएगा अगर इस पर कोई भी फैसला, कोई भी सुनवाई नहीं की अगर कल, तो ये एप्लीकेशन वापस आ जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि टिकटॉक के लवर हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इसमें चेंजेस लाने चाहिए और होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट कर बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो लाल बटन को दबाकर और घंटा ज़रूर बजा देना, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।